देखिए ड्रामा सीरियल मोरचाल। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास को सब्सक्राइब करें। हर फिरौन का एक मूसा होता है जो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाता है, और यहां भी वो मूसा जरूर आएगा जो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएगा। तरीके ताके दिंग दिग दंग निंगे ना किचे का तरीके ताके दिग दिग दिंगे निंगे ला के तुम निंगे ने गुन्ना कर दिग जिग दिंग निंगे ना किचे का तरीके ताके दिग दिग दिंगे निंगे ला के तुम निंगे ने गुन्ना कर दिग जिग। मैं वो तुम्हारे घर में या इस कोठे में, हर औरत की इज्जत करना हमारा फर्ज है। आप यहाँ भी आ गए। आपकी वजह से हमारे इतने बड़े ग्राहक नाराज होकर चले गए। पता नहीं अब वो यहाँ कभी वापस भी आएंगे कि नहीं। अंदाजा है आपको कितना बड़ा नुकसान कर दिया आपने हमारा। मैं आपका सारा नुकसान पूरा करूंगा। तो बताइए ना, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। किनसे? किनसे? आज गाना गा रही थी। ओ, नूरजहां से मिलना चाहते हैं। कहाँ नूरजहां? जी हाँ, लेकिन अब हम ये नहीं आपको बता सकते कि वो भी आपसे मिलना चाहती है कि नहीं। मुझे इनसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप उनसे सिर्फ एक जरूरी बात करना चाहते हैं? तो ठीक है, अगर आप इतना बेताब हो रहे हैं तो हम आपको मिलवाए देते हैं। लेकिन इसके दाम अलग होंगे। आप उसकी फिक्र न करें। आप अंदर तशरीफ ले जाइए, हम नूर को भिजवाते हैं। ये नूर मान जाए सही, ना अच्छा का हक हाथ से ना निकल जाए। जी, शबू बता रही थी कि किसी आदमी ने आपके लिए लड़ाई मोल ले ली। हाँ, था कोई शरीफ आदमी जिसे औरत की इज्जत का ख्याल था। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं भला? तुमने अम्मी को दवाई दी थी? जी, मैंने उनको दवाई दे दी, लेकिन वो बार बार सिर्फ आपका ही पूछ रही थी। बड़ी मुश्किल से टाला उन्हें। आखिर कब तक हम उनसे छुपाएंगे? जब तक ऑपरेशन के लिए पैसे पूरे नहीं हो जाते तब तक। अरे नूर, तुमने कपड़े बदल दिए? क्यों, मुजरा तो खत्म हो चुका है ना? हम जानते, मगर कोई तुमसे मिलना चाहता है। सताना जहां, नूर जी को किसी से नहीं मिलना। तुम खामोश रहो, हम नूर से बात कर रहे हैं। और नूर, ये वही शख्स है जिसने तुम्हारे लिए झगड़ा मोल लिया। शायद तुम्हारा जादू चल गया उस पर। नूर जी, आप सारा जहां क्या क्यों नहीं देती कि आपको किसी ने मिला? चुप। नूर बहुत मालदार आदमी है, मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है।
मिलूंगी उनसे। सदके जाऊं तो बस फिर जल्दी आ जाना, इस बेचारे को ज्यादा इंतजार मत करवाना। क्या बात है बली, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अच्छा मैं समझी, आप बुशरा के जाने से उदास हो रहे हैं। नहीं, मैं ये सोच रहा हूं कि हम बुशरा की शादी करने में कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे। क्या मतलब? हमें जावियार को कुछ टाइम देना चाहिए। अभी देने कितने हुए नूर को उसकी जिंदगी से निकले हुए। वैसे भी पापा जान की वफात को भी कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। बली, नूर तो हमेशा के लिए जावियार की जिंदगी से जा चुकी है और इस हकीकत को हम जितनी जल्दी तस्लीम कर लें हमारे लिए बेहतर है। और जहां तक रही बाबा जान की वफात की बात, तो इसीलिए तो हम अपनी बेटी का निकाह इतनी सादगी से कर रहे हैं। आप जानते हैं ना ये कितनी ख्वाहिश थी कि मैं बुशरा की शादी धूमधाम से करूं। इकलौती औलाद है ना हमारी। यही तो मैं कह रहा हूं, इतनी जल्दी भी क्या है, हमें कुछ टाइम देना चाहिए। इसी बहाने बच्चे भी एक दूसरे को जान जाएंगे। मैं तो कहता हूं हमें फिलहाल सिर्फ निकाह करना चाहिए, रुख्सती बाद में कर लेंगे। कैसी बातें करें भाभी, अब जब सब कुछ तय हो चुका है तो एक रात पहले कैसे रुख्सती से इनकार कर दें। वैसे भी लड़कियां तो पराया धन होती हैं ना एक दिन तो उन्होंने अपने घर चले जाना होता है। और शायद आप भूल रहे हैं, इस शादी के लिए जावियार ने ही कहा था। यही तो परेशानी है मुझे कि जावियार ने कहीं जज्बात में आके तो ये फैसला नहीं किया। नहीं वली, उसने फैसला सोच समझ कर ही किया होगा। आप अब खामखा वहम ना करें, अब सो जाएं, सुबह बहुत काम है। मैं भी कपड़े रख कर आऊं, मैं भी बैठ ही गई। क्या कीमत लगाई है आपने मेरी इज्जत की? बोलिए। आप मुझे गलत समझ रही हैं। गलतियां तो मैंने भी बहुत सीखी हैं। एक और से। और अभी ये बाहर क्या कह रहे थे आप कि औरत की इज्जत बहुत जरूरी है, चाहे वो कोठे पर बैठी तवाइफी क्यों ना हो। ये इज्जत दी है आपने मुझे। से बात करना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं? आपका दिल आ गया मुझ पर? और बाहर उस गाहक से जो आप बातें कर रहे थे, जुमलेबाजियां की आपने, आपको क्या लगता है ये सब कुछ करके आप मेरा दिल जीत लेंगे? गलत फहमी है आपकी, यहां सब कुछ बिकता है लेकिन किसी का दिल नहीं, समझे आप? बस बहुत कह लिया आपने। ऐसा कुछ नहीं चाहता जैसा आप समझ रही हैं। मैं आपसे बात करने आया था लेकिन मुझे लगता है कि ये वक्त मौजूद नहीं है आपसे बात करने का। एक औरत को इज्जत कैसे दी जाती है मैं जानता हूं। मैं फिर कभी आऊंगा। अगर मैं आपकी दिल आजारी की है तो मैं माफी चाहता हूं।
आखिर ऐसा क्या हुआ कि नूर यहाँ चली आई? वली खान, तुमने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। नहीं, मुझे वली खान के पास जाना चाहिए। नूर ने ऐसा क्या किया जो घर से निकाल दिया? जी उमेर, कैसे बेटे, ठीक हो? अरे आपको तो फिर बुखार चढ़ गया, क्या हो रहा है इस घर में? सुखरा, सुखरा इधर आओ। ये बच्चे को फिर बुखार है, मैंने दवाई लाके तुम्हें दी थी इसको बच्चे को? वो जी मैंने दवाई दी थी तो बुखार कैसे हुआ है? अच्छा जाओ दवाई लेके और सूप भी बना के लाओ बच्चे के लिए। जी अच्छा। बाबा आप परेशान मत हो, आप काम में बिजी थे इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। कैसे परेशान ना हो बेटे, मेरा काम तुमसे ज्यादा जरूरी तो नहीं है? तुम्हारे सिवा इस दुनिया में रह ही कौन? साबियार, अम्मी जान ने कहा है ये कपड़े तुम्हें दे, पहन लो, देर हो रही। आप तैयार क्यों नहीं हो? क्यों कर रहे हो तुम ये जुल्म अपने साथ? साबियार, शादी सारी जिंदगी का बंधन होता है और अगर इसमें मोहब्बत ना हो ना तो ये सफर कांटों पे चलने के मुतरादिफ होता है। इसीलिए तो मैं देखना चाहता हूँ क्या कोई तकलीफ और दर्द से भी बड़ा हो सकता है जो नूर ने मुझे दिया। लेकिन जाफर, भाभी आप तैयार हो जाए, मैं भी तैयार हूं। सलमा जी आप कहीं जा रही हैं? वली खान के पास। वली खान के पास? लेकिन क्यों? ये तुम पूछ रहे हो क्यों? मुझे उसे पूछना नहीं चाहिए कि आखिर उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा क्या कसूर था मेरी बच्ची का कि तलाक का धब्बा लगाकर उसे यहां भेज दिया? ऐसा क्या किया था उसने कि मुड़कर फिर पूछा भी नहीं? सलमा जी, अभी आपकी तबीयत खराब है और नूर जी आपको वैसे भी नहीं जाने देंगे। वो इस वक्त घर पर नहीं। सावल, मुझे वली खान के पास ले चलो, मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा। मैं जाकर उनसे पूछूंगी, उनसे बात करूंगी, उनकी मिन्नत करूंगी कि मेरी बच्ची को इस तरह तन्हा ना छोड़े। मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्ची का क्या होगा? लेकिन अगर उन्होंने हमारी बात ना सुनी तो? क्यों नहीं सुनेंगे वो? उन्हें सुनना पड़ेगा। मेरी बच्ची की जिंदगी यूं बर्बाद नहीं कर सकते वो। मैंने कितने मान से उसे उनके पास भेजा था, मेरी सारी जिंदगी की मेहनत को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते वो। एक एक बात का हिसाब देना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। मैं भी आपके साथ। चलो। क्या
वैद भाई, वैद भाई कहाँ खोए हैं? वैसे लगता है आप पर भी जादू चल गया उस आवाज का। आवाज का और आवाज वाली का। अच्छा तो ये बात है, फिर मिल भी लेना था उनसे। मिल लिया। आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। नहीं यार ऐसी बात नहीं, जैसा तुम समझो फिलहाल। छुपा लें आप भी हमसे छुपा लें। हाँ वो प्रोड्यूसर बहुत परेशान है, क्या करना है, आप गाना गवाना है उस मोहतरमा से। यार अभी मेरी बात नहीं है उससे, बहुत गुस्से वाली है। आपको कैसे पता कि वो गुस्से वाली है? मैं बात में बताऊंगा। इसका मतलब है कि अब मैं जाऊं? जी जाइए। ठीक है भाई, अब आपको हमारी क्या जरूरत है? तुम क्यों आई हो यहां पे? और मैं आपसे पूछती हूं, मेरी बेटी ने आपका क्या बिगाड़ा था? आप लोगों ने इसके साथ ऐसा क्यों किया बताइए? क्या बिगाड़ा था हमने आपका? तुम मुझसे सवाल पूछोगी? क्या अपनी बेटी से पूछो जिसने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा? लेकिन तुम क्या पूछोगी? तुम्हारा खून था ना, तो उसने यही तो करना था। आखिर ऐसा क्या कर दिया उसने बताइए? भाग गई थी वो घर से अपनी मेहंदी की रात। इतनी बातें सुनना पड़ी हमें लोगों की, पर तुम और तुम्हारी बेटी क्या जाने की इज्जत क्या होती है? नहीं झूठ बोल रही हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। यहां पर कोई झूठ नहीं बोल रहा है। आपकी बेटी ने शायद आपको बताया नहीं, उसे सिर्फ दौलत चाहिए थी। साविया तुझे क्या हो गया तुम्हें? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? क्या कर दिया उसने ऐसा? आप फिक्र ना करें अपनी बेटी की, बहुत खुश है वो, उसे जो चाहिए था ना वो मिल गया उसे। ढिठाई की भी हद होती है, अब बंद करो ये ड्रामेबाजी, जाके किसी और को दिखाओ। समझी रात को मिलने पर पाबंदी है, दिन को तो मिल सकता हूँ ना मैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं नहीं आप अपनी जगह बिल्कुल सही थी, शर्मिंदगी तो मुझे है। कैसे आना हुआ? मैं एक म्यूजिशियन हूँ और मुझे एक खूबसूरत आवाज की तलाश थी, वो आवाज मुझे मिली। मैं कुछ समझी नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप गाएं, लेकिन यहां नहीं, आप मेरे लिए गाएं टीवी के लिए। चाहता हूं आपकी खूबसूरत आवाज सब सुने, आप मशहूर हो, आपको इज्जत मिले। रात के बाद मैं समझ गया हूं कि आप इस जिंदगी से खुश नहीं हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें।
दुनिया आपकी आवाज सुनेगी, आपको बहुत शोहरत मिलेगी, बहुत इज्जत मिलेगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी जिंदगी तो पहले ही बदल चुकी है, अब और क्या बदलेगी। नूर, आप एक बार सोचिए, आप सिंगर बनेंगी तो। अरे अरे उबैद साहब, ये आप क्या नितनई पट्टियां पढ़ा रहे हैं हमारी मासूम और भोली भाली नूर को। चले जाएं यहाँ से और यहाँ दोबारा आने की जहमत मत कीजिएगा। सितारा जहाँ, ये मेरा भला ही चाहता। हाँ, तुम्हारा भला हो और हमारा चाहे बेड़ा गर्क हो जाए, हम ऐसे नहीं होने देंगे। हम ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये बाजारे हुस्न में पहली दफा नहीं हो रहा। ऐसे लोग इज्जत और शोहरत का चकमा देकर अपना काम निकलवाते हैं। बस हमने तो आज तक किसी को मशहूर होते हुए नहीं देखा। लेकिन नूरजहान मशहूर हो गई, आपको अंदाजा नहीं किसकी आवाज में कितना चाहते। आप मुझे बताइए, इसकी आवाज की क्या कीमत लगाती है। उबैद साहब, कहिए सितारा जहां, क्या कीमत लगाती है। अब कम अज कम भी 5 लाख। ये तो बहुत ज्यादा पैसे है। अभी बहुत कम कीमत है इसकी आवाज की, कल आपको मिल जाएगी, लेकिन आज के बाद आप दूर के रास्ते भी नहीं आएंगे। आप मेरे स्टूडियो में आके गाने की तैयारी कीजिए। भैया जी, हमारी नूर जी ऐसी नहीं है, आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। और जब ये पट्टी खुलेगी ना, तो सिर्फ पछतावा रह जाएगा, पछतावे के सिवा कुछ नहीं। तुम यहां क्या कर रहे हो? ये यहां क्यों आए? क्या कर रही है यहां पर? ये औरत कौन है ओडिशा सर? तुम मुझे नहीं जानते? ये सब कुछ इसी ने किया, जरूर इसी ने किया होगा। पूछे आप इससे, आप पूछे ना, तुमने चाल चली है ना? बताओ, बताओ इनको कि तुमने चाल चली है। तौबा, अब ये औरत हमारे बच्चों पे उंगलियां उठाएगी? किस कदर चालाक है इसकी बेटी, खुद से काम नहीं बना तो अपनी माँ को सिखाकर भेज दिया उसने। सलमा, चली जाओ यहाँ से, इससे पहले के वो कुछ कर गुजरूं जो मैं करना नहीं चाहता, जाओ यहां से। चलिए सुमा जी, हमारी यहां कोई बात सुनने वाला नहीं है, सब पत्थर के हैं ये लोग और इनके दिल भी पत्थर के बन चुके हैं। चलिए 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 चलिए। कहाँ चली गई अम्मी? बात है नूर, परेशान लग रही हो, कोई काम था आपको? अरे वैसे ही बस तुम्हें देखने आ गए। ये सलमा कहाँ है, नजर नहीं आ रहे? सावल के साथ कहीं गई है। तुम्हें बता कर नहीं गई? हो सकता है डॉक्टर के पास गई हो। डॉक्टर के पास नहीं जा सकती क्योंकि उन्हें मैं ही लेके जाती हूँ। तो फोन कर लो। फोन तो कब से कर रही हूँ, सावल फोन ही नहीं उठा रहा। तो फिर परेशान क्यों होती हो? बच्ची थोड़ी है, खुद ही आ जाएगी। लेकिन
ऐसी कौन सी जगह है जहां आपने मुझे बगैर बताया चली गई? हो सकता है वली खान के घर चली गई। वो वहां नहीं जा सकती। हो सकता है कोई काम हो उसे। तुम्हारी माँ वली खान से मोहब्बत करती है। आप यहां से जा सकती हैं। चले जाते हैं। हम तो सिर्फ ये बताने के लिए आए थे कि उबैद का फोन आया, मिलना चाहता है। हमने कहा कि आ जाए। क्या जादू फूंकती जिस किसी से मिलती हूँ गर्वीदा हो जाता है। कहीं सितारा जहां की बात सही तो नहीं? अम्मी वाकई सुल्तान वाला तो नहीं गई? क्यों रो रही है? कहां चले गए थे आप लोग? इतना कुछ छुपाया तुमने हमसे? बोलो नूर, तुमने क्यों छुपाया? मैंने क्या छुपाया है? वली खान के घर गई थी मैं। क्यों चले गए आप लोग वहां? सावल, तुम क्यों लेके गए अम्मी को वहां? तुम जानते हो इनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों ना जाती मैं, बताओ क्यों ना जाती? ताकि मुझे पता न चलता मेहंदी वाली रात तो वहां से भाग गई थी। बोलो नूर, क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? क्या आपको भी मेरा यकीन नहीं है? अपनी अपने दिल पर हाथ रख के कहे कि आपकी बेटी ऐसा कर सकती? मेरा सर शर्म से झुका दिया तूने। तेरी माँ किसी के सामने सर उठाने के काबिल नहीं। मेरे सारी जिंदगी की मेहनत जाए जा चली। तुम आराम से बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। जी जी, मुझे पता है, आज तो आपकी भूख और नींद दोनों ही उड़ चुके हैं। कहाँ जा रहे हो? जरूरी काम। जरूरी काम? और इस वक्त घर में दुल्हन आई बैठी है और तुम्हें जरूरी काम याद आ गया? तो क्या आज के बाद ये घर नहीं होगी? कहाँ है जरूरी काम? आप सब लोग हैं इसके पास। भाभी, जावियार कहाँ गए? तुम फिक्र ना करो, अभी आ जाएगा। तुम्हारे सामने ही तो कह रहा था कि एक जरूरी काम है। लेकिन आज के दिन उनको क्या जरूरी काम हो सकता है? मत परेशान हो, आ जाएगा। ज्यादा देर तक घर से बाहर नहीं रहता वो। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ।
नूर जी, मुझे है आप पर यकीन, वो सब झूठ बोल रहे थे। तुम भी मेरा यकीन मत करो, किसी को मुझ पर भरोसा नहीं। मेरा किरदार जो सबसे मजबूत था, मेरी ताकत था, आज वो सबसे ज्यादा हकीर है। मुझे इतना दिल छोटा ना करे, मुझे यकीन है एक दिन आएगा वही जावियार आपको यहां ढूंढता हुआ आएगा। तुम जावियार से मिले थे? जी। क्या उसकी आंखों में भी वो दुख था जो मेरी आंखों में? नहीं रोशी, वो तो आपको बिल्कुल भुला चुका है। और जब हम वहां गए तो क्या? तो वहां जावियार की शादी हो रही थी वली खान की बेटी के साथ। नूर जी, आप उसके लिए अपना दिल जला रही जो इतनी जल्दी भूल गया आप। एक बार भी पलटकर नहीं देखा उसने आपको, उसे आपसे मोहब्बत नहीं है। साहब यार, कहाँ रह गए हैं आप? कितनी शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ मैं आपका, कितनी सारी बातें करनी है मुझे आपसे। अरे बुशरा, तुम बाहर क्यों आ गई? क्या करती भाभी अंदर, बैठे बैठे बोर ही होना था। क्यों, जावेर नहीं आया अभी तक? नहीं। एक तो ये लड़का भी पता नहीं कहाँ चला जाता है, मैं अभी से फोन करती हूँ। किसे फोन करने की बातें हो रही हैं? वो जावियार अभी तक नहीं आया, बुशरा परेशान हो रही थी, उसी को फोन करने की बात करी। अच्छा अच्छा, नहीं कोई परेशान होने की जरूरत, मैं करता हूँ, तुम जाओ। लेकिन मैं कहा ना जाओ, तुम ज्यादा समझदार ना बना, जाओ मैं देख लेता। अम्मी जान बुला रही, तुम जाओ। ये ट्रे रखना तो मैं भूल ही गई। अच्छा किया लाला आप आ गए, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। क्या हो गया बच्चा, परेशानी की क्या बात है? अब तो तुम्हारी जावियार को परेशान करने के दिन आ गए हैं, खींच के रखना है उसको। अच्छा शौहर है तुम्हारा? वो भी आप ही के भाई हैं, कहाँ रोब रहने देंगे मेरा। जावियार को कॉल करें ना लाला। आ जाएगा आ जाएगा, फिक्र क्यों करती, मुझे पता है वो कहाँ। आपको पता है वो कहाँ है? ना जाने, वो नूर के गम में ढाल फिर रहा होगा, आ जाएगा। लाला, हम दोनों ने नूर को जावियार से दूर तो कर दिया है, लेकिन उसकी याद कैसे निकालेंगे हम उसके दिल से? जैसे नूर को उसकी जिंदगी से निकाला है, वैसे यादों को भी निकाल देंगे। फिकर मत करो, बस इस मसले का जिक्र मत किया करो कि हमने अगवा किया उसको। ऐसे किसी ने सुन लिया तो मसला हो जाएगा और जावियार निकल जाएगा तुम्हारे हाथ से, फिर ना बोलो।